वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले दिनों दिए गए अब्बा जान वाले बयान पर बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने योगी के इस बयान को अपमानजनक बताया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने अब्बा जान का शब्द का जिक्र किया है। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर यह शब्द ट्रेंड करने लगा है और आम लोगों के साथ साथ विभिन्न दलों के नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी है। वहीं एक न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने इस मामले पर कहा है कि यूपी सीएम का अब्बा जान वाला बयान अवमानना की तरह है और यह प्रतिक्रिया देने के लायक भी नहीं है। उन्होंने कहा, उस पर प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब्बा जान का यह बयान उन नफरत भरे बयानों का सिलसिला है जो वह हमेशा से देते रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बोले सीएम योगी? दरअसल अपने आक्रामक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूछा था, आप लोगों को अब राशन मिल रहा है ना? क्या यह साल 2017 से पहले मिलता था? तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सही मायने में राजनीतिक एजेंडे को बदला है। जो राजनीति 1947 में जाति, क्षेत्र, मजहब, परिवार और वंश तक सीमित थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे बच्चों, गरीबों, महिलाओं, गांव, नौजवान आदि के लिए पहुंचाया है और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को एक तरह से विकास मिल रहा है। विकास सबका हो रहा है, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं हो रहा है। राशन मिलना होगा ना आप लोगों को? राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। जो देश की राजनीति 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिला है। विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, तुष्टिकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।